Fans, welcome back to my channel. Today we're going to talk about the very famous Chinese drama Negotiator episode 16 in Hindi explained. So let's get started. एपिसोड 16 हम देखते हैं जाहिर ने टोंगी को कहा कल मैं नहीं वर्क वापस जा रही हूँ मेरे फादर को सब कुछ मालूम पड़ गया है क्या तुम लास्ट टाइम मुझे सी ऑफ करने आ सकती हो टोंगी अपसेट तो है लेकिन वो दिखाई नहीं वो स्ट्रिक्टली अग्री केक आने के लिए एंड दिस साइड लॉयर चिंग को बदतमीजी के लिए बाहर से निकाल दी उनके असिस्टेंट को हेल्प करने की ट्राई की क्यों कर रही हो सब एक दिन तुम भी टोंगी की तरह किसी और मैन को लाइक करोगी नहीं मैं सिर्फ आपको ही पसंद करती हूँ नो मैटर आप कितने भी अपसेट हो मुझे बस इतना बताना है कि मेरे दिल में आप एक अमेजिंग पर्सन हो ये सुनकर लॉयर चिंग को काफ़ी अच्छा फील हुआ ऑन द नेक्स्ट डे ज़ाइपे ने अपने मैनेजर के थ्रू टोंगी को पिकअप करने भेजी और उसको कुछ पिला दी जिससे उसकी जब होश आई तो वो प्लेन के अंदर है ज़ाइपे ने उसको ट्रीट करके अपने साथ US ले जा रहा है ज़ाइपे ये क्या मजाक है और तुम तो सस्पेंड होना एज अ वेकेशन इसे इंजॉय करो इसे किडनैपिंग बोलते हैं हाँ जो भी हो क्या हम दोनों चिट चैट कर सकते हैं मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे आई वॉन्ट टू स्लीप सच में सोना है देन वो फॉल एस्लीप वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए टोंगी बिल्कुल यहाँ रहना नहीं चाहती उसे घर जाना है मुझे जाने दो इस आदमी ने मुझे किडनैप कर ली है बिल्कुल भी नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ इसकी कुछ एग्रीमेंट्स है कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है अभी ने एक कार रेंट की करना क्या चाहते हो पहले हम पहुँच जाए डेस्टिनेशन पर टोंगी घर घर जाना है वो उसे अपना पासपोर्ट वापस चाहिए अगर तुम इसी तरह बदतमीजी करोगी तो मैं वो पासपोर्ट फेंक दूंगा देन ज़ाइपे ने एक जगह गाड़ी रोक के अपनी दिल की बात कन्फेस की टोंगी क्या बस तुम 3 डेज के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी उसके बाद क्या तुम न्यूयॉर्क और मैं शंघाई वापस फिर कभी नहीं मिलेंगे हम लोग जितने दिन भी डेट किए हैं एक बार भी मैंने तुम्हें पूरी तरह से नहीं पाया है इन माई सर्व बस 3 डेज दो जाने से पहले देन इस 3 दिन के बाद मेरी हार्ट को भी ठीक नहीं होगी इस तरह से ब्रेकअप तो आज या कल करना ही है ना तो तुम क्यों वापस आ रहे हो मैं चाहता हूँ तुम मुझे कंप्लीटली सौंप दो अपने आप को मैं तुम्हारी लाइफ का वो मैन बनना चाहता हूँ जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो एक ऐसा प्यार जिसे तुम कभी नहीं भुला सकती अब तुम सेल्फीज बन रहे हो देन साहिबा ने उसे हग कर ली हाँ मैं बदतमीज हूँ सेल्फीज हूँ तुम मुझसे एक फ्यूचर चाहती थी जो मैं तुम्हें नहीं देख सकता मैं साहिबे हूँ साई ग्रुप का हायर और तुम एक कॉमन फैमिली बैकग्राउंड से मुझे अगर मैरी करोगी तो मेरे फैमिली के टोन ड्रामा से तुम खुद को खो दोगी मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए बर्बाद हो जाओ मेरे मॉम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी सिचुएशन भी उनकी तरह हो एंड द साइड ज़ाइपे के फादर को मालूम पड़ गया है कि टोंगी के बारे में तो वो अब बहुत ही गुस्से में है उनकी लोकेशन ढूंढने की ऑर्डर दे दी ऑन द अदर साइड ध्यान ध्यान देखा उसकी क्रॉस को गाते हुए इन बार वो उसको एटलीस्ट को देखते ही रह गई ऑन द अदर साइड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे अदर कपल्स की तरह उन्होंने भी ये फोटोज क्लिक की कपल वॉल के लिए देन वो लोग डाइनिंग टेबल पे रिचा को अपनी लव स्टोरी सुनाने लगे छोटी लव स्टोरी और दोनों में आर्ग्यू लग गई कि कौन किसके पैर में पहले पड़ा है क्या कर रही थी तुम मैं तुम्हारे लिए पहले फॉल की थी तुम मेरे लिए पहले फॉल की थी नहीं ध्यान से याद करो तुम मेरे लिए पहले फॉल की थी और ऐसे दोनों क्यूट स्पून फाइटिंग के थ्रू इस एपिसोड को हमें यहीं पर खत्म करते हैं बहुत ही मजा आने वाला है गाइस यू जस्ट हैव टू मेक श्योर टू कीप वॉचिंग डोंट मिस एनी अपडेट्स आई विल अपडेट यू विद माई वीडियोज एज सून एज पॉसिबल टिल देन हैव अ गुड डे टेक केयर एंड बाय बाय So guys, click here to watch Negotiator's all episode and click here to watch my recent uploads. Thank you very much.